हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, चकाचौंध नाइट लाइफ से परे और दिन भर भाग दौड़ जिंदगी से कोसों दूर, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी बीच जो अपने सौंदर्य से ज़्यादा अपनी बदनामी के लिए जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सूरत के पास स्थित डुमस बीच की गिनती भूता जगह में होती है। पहले हम बात करते हैं डुमस बीच की ब्यूटीफुल नज़ारे की। दक्षिण गुजरात की यह सबसे बड़ी सी बीच है जो अरब सागर से लगा हुआ है। ये बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ की रेत का रंग काला है। हर बीच की तरह यहाँ भी आप सूर्योदय और सूर्यास्त की लुत्फ़ उठा सकते हैं। बीच तक जाने के लिए आपको सिटी बस, टैक्सी, ऑटो मिल जाएगा। बीच के आसपास काफ़ी सारा ढाबा और रेस्टोरेंट मिल जाएगा। दिन में बहुत सारे लोकल फूड बीच में अवेलेबल है। सबसे बढ़िया यहाँ की पानी पूरी जो काफ़ी फेमस है। दिन में बहुत कुछ एक्टिविटी आप बीच पर कर सकते हैं, जैसे बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग,
और कैमल राइडिंग है। और बात करते हैं डुमस बीच रात में हॉन्टेड हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया है और रात में आत्माओं की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए रात की टाइम ये बीच वीराना और डरावना लगता है। और इस बात का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। काफ़ी टाइम से इसी बीच पर शब्दाह किया जाता था और वर्षों से शब्दाह की वजह से धीरे धीरे राख मिट्टी में मिलने लगे और मिट्टी में राख मिलने के बाद यहाँ की जो रेत काली हो गई है और रात में काली रेत भूत प्रेत जैसी भ्रम और शंका मन में सृष्टि करता है। बहुत सारे लोगों का कहना है भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये लोगों की द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है।